स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 5 फोर्स वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस टू डू वर्क, टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं अगर हमें कोई काम करना होता है। मस्कुलर फोर्स, सबसे पहला वाला हम पढ़ेंगे। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स, ऐसी बल जिसमें आपको अपनी मसल्स का यूज़ करना पड़े या फिर जानवर अपनी मसल्स का यूज़ करे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज मस्कुलर फोर्स टू डू एक्टिविटीज लाइक, हम अपनी रोज़मर्रा जो लाइफ है, हमारी डेली लाइफ में हम मस्कुलर फोर्स का ज़्यादातर काम करते हैं, यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कैरिंग वाटर बकेट, बाल्टी उठाना पानी से भरी हुई, या फिर राइटिंग इन द नोटबुक या फिर नोटबुक में लिखना, स्क्वीजिंग अ लेमन, नींबू निचोड़ना, लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड मैनी मोर, या फिर कोई बाहरी वजन उठाना, या फिर बहुत सारे काम करने के लिए हम अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़। जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट यूज़ मस्कुलर फोर्स टू कैरी लॉग्स। जैसे कि जो जानवर, जो एलिफेंट होता है, वो अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ करता है लकड़ियों को उठाने के लिए। या फिर बुल मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू पुल अ कार्ट। जो हमारी बुल्स होती हैं, वो क्या करती है, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करती है कार्ट को खींचने के लिए। बैलगाड़ी जो होती है, उसमें आप कार्ट जो लगी होती है उसको खींचने के लिए, ये जो ये मैन है वो देख रहे हो आप, मसल्स मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहा है, वेट उठा रहा है। तो यहाँ पर हम डेली लाइफ में मस्कुलर फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ कॉमनली नोन एज ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। द पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सरफेस इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटी। जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, आपने देखा होगा हर एक चीज़ जो अर्थ है वो अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करके रखती है, खींच के रखती है। क्यों? अर्थ ग्रेविटी की वजह से। ट्राइंग थ्रोइंग अ बॉल अप इन द एयर, आपने देखा होगा जैसे ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर उछाल रहा है, तो ये बॉल क्या हो रही है, नीचे आ रही है। तो किसके वजह से नीचे आ रही है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। इट कम्स डाउन टू द ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड। आप अगर बॉल या फिर कोई भी चीज़ उछालते हो तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो नीचे ही आ जाती है। दिस एक्शन इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑफ द अर्थ। ये किसकी वजह से नीचे आती है, जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारी, जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटेशन लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसी के वजह से सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ के सरफेस पर टिके हुए हैं। कुछ भी चीज़ है वो उड़ती भी नहीं दिखती आपको, है ना, सब चीज़ क्या, ज़मीन पर टिकी हुई है। वी आर एबल टू वॉक और रन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं ज़मीन पर, अर्थ के, अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, इसके वजह से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट्स इन द एयर। और आपने देखा होगा जो स्पेस होती है वहाँ पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, इसकी वजह से वहाँ पर हर एक जो एस्ट्रोनॉट है या कोई भी चीज़ है, आपका आपका पेपर, आपके हेयर, सब कुछ क्या होता है, उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, What would you do if you lost a key in a haystack? क्या करोगे आप अगर आपकी जो चाबी है वो गुम हो जाए? Would you try to find the key by separating the haystack? क्या आप अपनी जो कचड़े में, अगर आपके मान लो गुम हो जाए जो कचड़ा है, उसमें से आप अपनी की को कैसे ढूंढोगे? It would be time consuming. अगर आप इतना ज़्यादा कचड़े का ढेर है उसमें अगर आपकी चाबी गुम हो गई है तो बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। Instead वी कैन यूज़ अ मैग्नेट टू फाइंड द की फ्रॉम द हे स्टैक। तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट का यूज़ कर सकते हो अपनी चाबी को ढूंढने के लिए हे स्टैक से। द मैग्नेट विल अट्रैक्ट द की थस वी फाइंड द की। जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, वो आपकी की को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और इससे आप अपनी चाबी को ढूंढ पाएंगे। द फोर्स अप्लाइड बाई मैग्नेट ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट लगाता है ऑब्जेक्ट्स पे, कौन से ऑब्जेक्ट, जो आयरन से, जो आयरन लोहे से बनी हुई चीज़ उस पर जो फोर्स लगाता है मैग्नेट, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैग्नेट है, यहाँ पर कील पड़ी हुई है, कील किससे बनी हुई होती है, मैग्नेट से। तो ये क्या हो गया, कौन सा फोर्स लगाएंगी, कील मैग्नेट पे जाके चिपक जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये आयरन से बनी है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल
इज़ द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन, जो अपोज करता है चीज़ों को चलने के लिए. अगर हम सीधा जा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? उल्टा लगेगा. हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू पुश अ बॉल इट स्टॉप्स रोलिंग बाय इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. कभी आपने क्या किया होगा, पुश किया होगा बॉल को, आगे धक्का दिया होगा और आपकी बॉल आगे अपने आप चली भी गई होगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जो बॉल है वो रुक जाएगी ग्राउंड में अपने आप. क्यों रुक जाती है वो? क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होता है आपके बॉल और ग्राउंड के बीच में. मैंने अभी आपको बताया ग्राउंड तो रुका रहता है, बॉल आगे जा रही होती है, तो बॉल को रोकता है वो फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो चीज़ों को हल्का रफ्तार देने लग जाता है. अगर तेज़ से कोई चीज़ चल रही है तो वो हल्के हल्के रुक जाती है. वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. हम अपने ज़मीन पे इसलिए भी चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं. वी डोंट स्लिप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन आवर शूज़ एंड द फ्लोर. हम इसीलिए फिसलते नहीं क्योंकि जो हमारे फ्रिक्शन है हमारे जूतों के बीच में और हमारे ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा होता है, इसकी वजह से हम आराम से चल सकते हैं. द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस. अब जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के अकॉर्डिंग ही लगता है. जैसे कि अगर चिकना सरफेस होगा तो आपके गिरने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. और अगर खुरदरे सरफेस होते हैं तो आपके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना. तो ये चीज़ क्या है? फ्रिक्शन लगता है. हम सीधे जा रहे होते हैं और जो नीचे की चीज़ या फिर फ्लोर वगैरह कुछ होती है वो अपोज कर रही होती है कि आगे मत बढ़ो, इसलिए फ्रिक्शन लगता है. जैसे कि दो टाइप के सरफेसेस पे ये लगता है. देयर इज़ अ लेस फ्रिक्शन ऑन द स्मूथ सरफेस. अगर चिकना सरफेस है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कैसा होगा? कम होगा और गिरने के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अ रफ सरफेस. ठीक है, रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और जो स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पर कैसा फ्रिक्शन होगा? लेस फ्रिक्शन होगा. वर्क व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म. अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई ताकत लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या बोलते हैं हम कि हमने कोई काम किया है. व्हेन वी पुल अ चेयर टू सिट इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म. अगर मान लो अपने आपको बैठना है और आपने चेयर को आगे खिसकाया है तो क्या बोला जाएगा कि आपने कोई काम करा है. बट व्हेन वी ट्राई टू पुश और पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ बिग कबर्ड और अ बैड एंड आर नॉट सक्सेसफुली इज़ डूइंग सो इट इज़ सेड दैट नो वर्क इज़ बींग परफॉर्म. मान लो अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हिला रहे हो लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, जैसे बेड हो गया, फिर कोई कार्ड कपबोर्ड हो गया और वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या बोला जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया. भले ही आपने इतनी ताकत लगाई लेकिन आपने अपनी वो जो ऑब्जेक्ट है जैसे बेड है या फिर कपबोर्ड है उसको आप हिला ही नहीं पाए, तो आपका क्या कहा जाएगा? कोई आपने काम नहीं किया है. स्टूडेंट्स, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे एनर्जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे.